वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप देख ही रहे हो, हम पिछली वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट रिएक्शंस का डिस्कशन चल रहा है हमारा, हाइड्रोकार्बन्स का। तो उसी सीरीज में हम आज एक नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट केमिकल बिहेवियर लेके आए हैं हाइड्रोकार्बन्स का। चलिए देखते हैं कौन सा लेके आई हूँ मैं। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्केन। एल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सी सब्स्टिट्यूशन किसकी प्रेजेंस में होती है एंड उसका क्या मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। आई थिंक आप सबको अच्छे से पता होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। जब कार्बन और कार्बन की जो लिंकेज है वो सिंगल बॉन्ड से पूरी चेन में चलती है, चाहे वो दो कार्बन का छोटा कंपाउंड हो या वो मिलियंस ऑफ कार्बन का कंपाउंड हो, लेकिन यदि पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड कार्बन से ही बॉन्डिंग चलेगी देन इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब यदि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हम केमिकल बिहेवियर की बात करें तो उनमें क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है सब जगह सिग्मा बॉन्ड से वो सैचुरेटेड हैं, तो उनमें एडिशन रिएक्शंस नहीं मिलती हैं हमें। एडिशन रिएक्शन के लिए पाई बॉन्ड का होना जरूरी है जो कि यहाँ पर नहीं होता। तो फिर ये कौन सी टाइप की रिएक्शन देते हैं? तो ये देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, जो वर्ड है सब्स्टिट्यूशन उसका मीनिंग क्या है कि जब भी एक मोर एक्टिव एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट हो, क्लोरीन ब्रोमीन या कोई भी ऐसा रिएक्टिव एलिमेंट जो उसको हटा सके, वहां से हटा दे और खुद उसकी जगह वहां पर बॉन्ड बना ले कार्बन के साथ, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है, तो यदि डिफाइन करने के लिए आप कहें, डिफाइन आ जाए कहीं पर, तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जब भी मोर एक्टिव एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है चेन में कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक आपको सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ आ गया होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन क्यों दे रहे हैं। अब देखते हैं कोई एग्जाम्पल, आपको ऐसे यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल फॉर दैट कि ये है हमारा मीथेन जिसमें कार्बन जो है वो चार हाइड्रोजन से सैचुरेटेड है। अब इसमें यदि हम क्लोरीन या कोई हैलोजन एलिमेंट ब्रोमीन आयोडीन डालते हैं, जैसे कि ज्यादातर हमारी रिएक्शन क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ होती है, एंड वीडियो के आगे अभी चलेगी वीडियो, देन आप देखेंगे कि मैं उनके रीजंस भी बताऊंगी कि हम ज्यादातर रिएक्शन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ ही क्यों लेते हैं। तो यदि हमने इनका हेलोजिनेशन किया क्लोरीन या ब्रोमीन की हेल्प से एंड सनलाइट थोड़ी सी इसमें ऐड की, एनर्जी दी इनको, तो उसकी एनर्जी से ये क्लोरीन जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा होमोलिटिक फिशन में एंड यहाँ से वो एक्टिव बन जाएगा, फ्री रेडिकल की फॉर्म में एक्टिव हो जाएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरोमीथेन मुझे मिल जाएगा फाइनल कंपाउंड और एच जो है वो सीएल के साथ साइड प्रोडक्ट में चला गया। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कि क्लोरीन बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन उसको रिप्लेस करके उसके साथ कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बना लिया और एक नया हैलाइड मिल गया मुझे, क्लोरोमीथेन। बट प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि क्लोरीन काफी रिएक्टिव एलिमेंट है, उसको स्टॉप करना काफी मुश्किल हो जाएगा आगे, तो वो एक एक करके सारे हाइड्रोजन को वन बाय वन रिप्लेस कर सकता है एंड हमें ऑब्वियसली ये पूरा एक मिक्सचर, एक जो है प्योर कंपाउंड ना मिलके कि 100% मेरे को क्लोरोमीथेन मिल रहा है, उसकी जगह मुझे ये सारे डेरिवेटिव जो है मिक्सचर की फॉर्म में मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा सब मिलेंगे। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव भी बन सक्ता है, डाई भी बन सकता है, ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं वो भी बन सकता है एंड टेट्रा क्लोरोमीथेन भी मिलेगा। और किसी की भी परसेंटेज डिफाइंड नहीं है कि कितना परसेंटेज क्या मिलने वाला है। तो ये रिएक्शन जो है वो एक तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन तो दे रही है लेकिन मिक्सचर बना रहे है, साथ में हमें मिक्सचर मिल रहा है क्लोरो डेरिवेटिव्स का। ठीक है, तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस इसके लिए, जो हमें इस रिएक्शन में कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले हैं।
उन्हें आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि कभी भी आप डेप्थ में कोई क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि सिंपल है रिएक्शन तो सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान रिएक्शन है, 10th में भी किया होगा। लेकिन याद रखने वाली चीजें हैं इसकी इंपॉर्टेंट, कंडीशंस कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, या क्यों नहीं हो रहा, रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से। तो चलिए पहले इंपॉर्टेंट कंडीशंस देखते हैं। यदि इस रिएक्शन में हम फ्लोरीन से रिएक्शन देते हैं, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, एंड लीस्ट हमें रिएक्शन मिलती है फास्ट आयोडीन से। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है यहाँ पर हेलोजन्स के बीच में, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में आयोडीन जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव या अनरिएक्टिव रहता है। मीन्स यदि मैं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करूंगी तो आई कांट हैंडल, क्योंकि ये बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, एंड इतना तेजी से रिएक्शन होगी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए फ्लोरिनेशन भी नहीं किया जाता है जनरली। हम जब हेलोजिनेशन करते हैं तो हम फ्लोरिनेशन नहीं को अवॉइड करते हैं, और क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ऑन एन एवरेज रिएक्शन चलती है जिसे हैंडल भी किया जा सकता है, एनर्जी भी इतनी निकलती है कि एक्सप्लोजन नहीं हो। लेकिन आयोडीन के साथ रिएक्शन अगेन इतनी स्लो, इतनी अनरिएक्टिव होती है ये कि हम उसे भी अवॉइड कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें, जो फ्लोरीन एंड आयोडीन यदि हम हैलोजिनेशन में यूज करें तो उन्हें अवॉइड कर देते हैं। जनरली आपको क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ ही रिएक्शन यहाँ पर हमेशा हम करते हुए दिखाई देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये ऑन एन एवरेज दोनों जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर भी सही चलती है रिएक्शन, एंड सेकेंडली एनर्जी वगैरह क्योंकि निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, तो वो भी हम हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इसमें ये आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रिएक्शन है या तो ये परोक्साइड की प्रेजेंस में चलाई जाती है, बेंजोइल परोक्साइड या एनी परोक्साइड, बेरियम परोक्साइड, परोक्साइड की प्रेजेंस में या तो हम चलाते हैं, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है, फोटोन्स की फॉर्म में देनी पड़ती है एनर्जी। ऐसा क्यों? एनर्जी और परोक्साइड की प्रेजेंस में ही ये जो बॉन्ड है इनका वो होमोलिटिक फिशन में ब्रेक होता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है। वो मैकेनिज्म आपको अभी मैं अगले इसमें बता रही हूँ, नेक्स्ट इसमें बताती हूँ, अभी पहले आप कंडीशंस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। तो जो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, या जो एक तरह से रिएक्शन चलती है, हमारी प्रोसेस चलता है, उसको हेल्प करने में परोक्साइड और सनलाइट ही जो है हेल्प कर पाते हैं, तभी रिएक्शन शुरू होती है एंड प्रोपेगेट करती है। तो इसलिए इनका होना रिएक्शन में जरूरी है, और इसे हम इस रिएक्शन को हम गैसियस फेज में भी चला सकते हैं और लिक्विड फेज में भी चला सकते हैं। यदि हम गैसियस फेज में चला रहे हैं तो हम सनलाइट की प्रेजेंस में चलाते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं सनलाइट ही हो या एनर्जी फोटोन्स हो। एंड वहां पर एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि जो मिक्सचर है हमारा, रिएक्शन मिक्सचर है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन को इनहिबिट कर देगी, रोक देगी, इम्प्योरिटी का काम करती है, तो उससे रिएक्शन जो है वो प्रोपेगेट नहीं हो पाती, चल नहीं पाती आगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है, गैसेस मिक्सचर में हमारा ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। एंड लिक्विड फेज में जब हम कर रहे होते हैं ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन, तो हमेशा हम परोक्साइड की इफेक्ट में, परोक्साइड की प्रेजेंस में चलाते हैं उसे। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है इसमें। ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन करते हुए हमेशा जो ब्रोमीन एंड क्लोरीन है, क्योंकि वो कलर गैसेस हैं, कलर शो करती हैं, तो वो हमेशा विजिबल लाइट, जब हम सनलाइट डालेंगे तो उसमें सिर्फ विजिबल लाइट के पार्ट को एब्जॉर्ब करके इनिशिएट हो जाती है। होमोलिटिक फिशन मतलब उनका विजिबल लाइट की प्रेजेंस में ही हमेशा होता है, तो इसीलिए हमें व्हाइट लाइट या सनलाइट ही लेनी पड़ती है। नेक्स्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि हम मीथेन के साथ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं या इथेन के साथ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो हमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव दोनों जो मिलेंगे, उनके जो मिलेंगे वो सेम कंडीशन होगी। चाहे आप इथेन में यदि आप क्लोरीन पहले कार्बन पर लगाएं तो भी वो वन ए लेफ्ट साइड वाले कार्बन पर लगाएंगे तब भी एक ही बात है, राइट साइड वाले में लगाएंगे तब भी एक बात है, तो उसमें हमें कोई आइसोमर्स नहीं मिलते। लेकिन जब हम प्रोपेन का क्लोरीनेशन करते हैं या ब्रोमिनेशन करते हैं,
मीन्स हैलोजिनेशन करते हैं, तो हमें वहां पर अब दो आइसोमर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से एक मिलेगा मोनो, दोनों ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हैं, लेकिन उनके पोजीशन चेंज हो सकती है, पोजीशन आइसोमर्स मिलते हैं हमें। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने बनाया है, 1-क्लोरोप्रोपेन भी मिलेगा और मुझे 2-क्लोरोप्रोपेन भी मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो मीन्स हमेशा जब भी क्लोरीनेशन होगा और मोनोक्लोरो डेरिवेटिव भी बन रहे हैं, तो उनके भी आइसोमर्स बनने प्रोपेन से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि चेंज है वो बढ़ रही है, 3 कार्बन 4 कार्बन पर जा रही है, तो वहां पोजीशन आइसोमर्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। अब आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए एंड ब्यूटाइल क्लोराइड, जो यदि हम ब्यूटेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो कौन कौन से आइसोमर्स बनते हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, बनाकर देख सकते हैं, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने आइसोमर्स बनाए। तो ठीक है, इसे यहीं रोक के पहले कर बनाकर देखिएगा, देन आगे वीडियो चलाइएगा। चलिए, आई थिंक आपने बनाकर देख लिए होंगे और आपने कमेंट भी डाल दिया होगा कि कितने आइसोमर्स बनने वाले हैं। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, इस रिएक्शन का, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने हैलोजिनेशन पढ़ा, वो कैसे प्रोपेगेट करती है, कैसे चलती है, इनिशिएट कैसे होती है या प्रोसेस कैसे चलता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, स्टेप 1 में कि क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी हमने हैलोजिनेशन के लिए लिया है उसमें होमोलिटिक फिशन हो जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में या परऑक्साइड की प्रेजेंस, जो भी आप जिस फेज में ले रहे हैं, गैसेज फेज में ले रहे हैं तो एनर्जी, और यदि लिक्विड फेज में ले रहे हैं तो आपको मैंने बताया परऑक्साइड लेना होगा। तो जो भी यहाँ पर आपने कंडीशन ली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, चेंजेस आएंगे, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। अब फ्री रेडिकल्स आपने पढ़ा हुआ कैसे बनते हैं, जिसको नहीं पता वो मेरी पहले की वीडियोस देख ले कि होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिशन के बारे में, आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं। अब ये फ्री रेडिकल जो बना यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये चेन को इनिशिएट करेगा, तो मैं यहाँ पर इसको इस स्टेप को कह सकती हूँ चेन इनिशिएशन स्टेप। इसने मिथेन के मॉलिक्यूल पर अटैक करना शुरू कर दिया, ये अब बन गया अटैकिंग रिएक्शन, और इसने मिथेन जो हमारा मेन कंपाउंड है, सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर अटैक करना शुरू किया। अब जैसा अटैकिंग रिएजेंट होता है वैसा ही उसमें चेंजेस आते हैं बॉन्डिंग में, तो यहाँ इसकी प्रेजेंस से यहाँ भी फ्री रेडिकल बनने शुरू हो जाएंगे। फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल को ही बनाता है और फ्री रेडिकल से ही रिएक्शन करके चेन को खत्म करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आयनिक रिएक्शन हमेशा आयन ही प्रोड्यूस करती है और आयन के ही कॉम्बिनेशन से वो टर्मिनेट हो जाती है। यहाँ भी क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है, जब वो मीथेन पर अटैक करेगा तो यहाँ का जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ वो भी यूनिफॉर्मली ब्रेक होकर होमोलिटिक फिशन करेगा और फ्री रेडिकल्स जनरेट कर देगा। तो जैसे मैंने यहाँ बना दिया मिथाइल का फ्री रेडिकल और एक एच का जो फ्री रेडिकल निकला वो सीएल के साथ रिएक्ट करके एचसीएल प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ जो मिथाइल फ्री रेडिकल नेक्स्ट स्टेप में बना, अब वो और क्लोरीन के साथ और डिफरेंट मॉलिक्यूल को भी फ्री रेडिकल में चेन बनाने के लिए अटैकिंग रिएजेंट बन चुका है। क्लोरीन के साथ जैसे उसने रिएक्शन की तो वहां भी फ्री रेडिकल जनरेट करके उसने उसके साथ रिएक्शन कर ली, बन गया मिथाइल क्लोराइड और सीएल का एक फ्री रेडिकल नेक्स्ट जनरेट हो गया। तो आप ये देख रहे हो क्लोराइड सीएल का जो फ्री रेडिकल है वो आगे चेन बढ़ा रहा है मिथाइल के फ्री रेडिकल को बनाकर, मिथाइल का फ्री रेडिकल आगे क्लोरीन के फ्री रेडिकल को जनरेट कर रहा है, और इस टाइप से चेन प्रोपेगेट होती रहती है, चलती रहती है। चेन जो शुरू हुई है, इनिशिएट हुई है, वो अब चलती रहेगी ऐसे ही फ्री रेडिकल को बना बनाकर, आपस में रिएक्शन कर करके वो आगे चलती रहेगी। लेकिन लास्ट में कुछ कहीं कहीं टर्मिनेशन पॉइंट्स भी होते हैं यहाँ पर, कि अटैकिंग रिएजेंट्स हैं एक दूसरे से, कहीं कोई और अटैक कर गया, एक दूसरे से रिएक्ट कर गया, तो टर्मिनेशन भी हो जाता है बीच बीच में। जैसे कि क्लोरीन का, यदि क्लोरीन के साथ ही फ्री रेडिकल टकरा गया, जरूरी थोड़ी है कि मिथाइल से टकराए या मिथेन से ही टकराएगा, एक गैसियस मिक्सचर है, एक लिक्विड मिक्सचर है, आपस में मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल भी टकरा सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या है। और साथ में कि सीएल का यदि फ्री रेडिकल सीएल से टकरा गया तो सीएल2 भी बन सकता है वापस, जो वहां पर यूज होता रहेगा दोबारा आगे। सीएल यदि एच से टकरा गया तो हमारा साइड प्रोडक्ट मिलता रहेगा हमें एचसीएल। मिथाइल का फ्री रेडिकल यदि मिथाइल से ही टकरा गया, देन इट कैन गिव इथेन ऑल्सो,
ये मैंने मार्क इसलिए कर दिया है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट काम आने वाला है कि चेन जब चलती है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो मिथाइल क्लोराइड और एचसीएल के साथ साथ हमें इथेन कैसे मिल जाता है। तो यहाँ आप इसे मार्क कर लीजिएगा, इथेन भी यहाँ बनेगा, चाहे वो माइक्रो क्वांटिटी में बने या जितना भी बने, क्योंकि मतलब कोई फिक्स नहीं होता कि कितना क्वांटिटी बनेगी किसकी। तो यहाँ मिक्सचर मिलता है हमें अलग अलग चीजों का, तो यहाँ इथेन भी एक प्रोडक्ट बनेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि तो मिथाइल का फ्री रेडिकल मिथाइल से भी टकरा सकता है, पॉसिबिलिटी है, और इथेन भी बना सकता है। और ऐसे ही एच और एच यदि कंबाइन कर गए तो थोड़ा बहुत H2 भी बन सकता है। चांसेस हैं ये सब होने के, ये टर्मिनेशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिए कि ये सब भी हो सकता है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड एंड एचसीएल जो कि मेजर प्रोडक्ट्स है हमारे। तो दिस इज द मैकेनिज्म जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। और एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि मैं आपको सारी ऑर्गेनिक की जो है इम्पॉर्टेंट जितनी भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और हाइड्रोकार्बन की, चाहे वो आपकी बुक में मैकेनिज्म है या नहीं है, या आपका टीचर आपको मैकेनिज्म सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा, छोटी मोटी रिएक्शन तो वो सब सिखा देंगे कि ये डाला ये डाला ये हो गया, वो आप लर्न भी कर लेंगे। लेकिन मैं बेसिकली ये लेके चल रही हूँ कि जो मेन मेन आपकी रिएक्शंस हैं जो आपके 12th में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, मैं उनको आपको विद मैकेनिज्म आपको समझा दूँ, उनके कंडीशन समझा दूँ, स्पेशल जो पार्ट्स हैं वो क्लियर कर दूँ, जो बुक में कहीं नहीं मिलेगा वो भी आपको समझा दूँ, ताकि आप 12th में ऑर्गेनिक जब पढ़े तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन्स ना हो। क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपने 12th बोर्ड एग्जाम देना है, तो मैं उस चीज को बेस लेकर आपका चल रही हूँ। आप ये वीडियोस इस टाइप से देखिएगा कि आई एम कवरिंग द ऑल ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर द 12th क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसे हर कंडीशंस को अच्छे से क्रैम करिए, एंड जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया ब्यूटेन का वो बनाकर आइसोमर्स डिफरेंट बनाकर देखिए, एंड हो सके तो कमेंट में लिखिए जरूर कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन।